वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखो, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट तक तब पहुंचेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या चीज है। जब ग्रीन हाउस असल में शीशे का एक बना हुआ घर है, मुख्तलिफ इसकी शक्लें होती हैं और ये सारे का सारा शीशे से बना हुआ है। इसका मकसद ये होता है कि जो मौसमी असरात है ना, उनसे बचाया जा सके पौधों को जो सेंसिटिव होते हैं मौसमी जो तब्दीलियां उनसे। अच्छा, अब देखो, असल में ये ग्लास हाउस जो हमारे इलाके में तो इतने ज्यादा नहीं है, ना ही यहाँ पे इस्तेमाल जो है इनका जरूरी है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, बल्कि ज्यादा मोस्टली गर्म ही रहता है। तो जो इलाके जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन है, जो जहाँ पे वो ठंडे जो इलाके हैं, उन इलाकों में जो सब्जियां हैं और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, जो सर्दी है, धुंध है, कोहरा है, उससे उनको बचाने के लिए शीशे के घर तैयार किए जाते हैं और उन घरों के अंदर पौधे उगाए जाते हैं, ताकि जो मौसमी असरात है उससे बचा जा सके। और ये शीशे के घर क्या करते हैं, ये सूरज से आने वाली रोशनी को अंदर दाखिल होने देते हैं और जो हीट है उसको ट्रैप कर लेते हैं, हीट को अपने अंदर रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाड़ी आप बाहर खड़ी कर दें, उसके शीशों को मुकम्मल तौर पे जब बंद कर देते हैं तो घंटे दो के बाद जब आते हैं तो उस गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बाहर की निस्बत। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि सूरज की रोशनी मुसलसल अंदर आ रही थी लेकिन वहां से हीट बाहर नहीं निकल रही थी, हवा की जो सर्कुलेशन है वो नहीं थी, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। तो ये है ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो मैंने बताया कि अंदर का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना, ठीक है, तो ये असर ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम देखेंगे अभी कि ये क्या चीज है। अब पहले तो ये समझना चाहिए कि जो हमारा कुर्रे अर्ज है, इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना गैस, उसने घेरा हुआ है एक गिलाफ की शक्ल में, ठीक है, कुर्रे अर्ज के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गिलाफ की शक्ल में मौजूद है और इसकी कंसंट्रेशन आपने बढ़ी है CO2 की, तकरीबन 0.03% है। अब इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है ना, वो नुकसानदेह नहीं है बल्कि जरूरी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की ये सलाहियत है कि जो सूरज से आने वाली जो रोशनी है ना, उसको अपने अंदर से गुजरने देती है, अपने अंदर से गुजरने देती है, लेकिन जब ये टकराती है सूरज की रोशनी जमीन के साथ, इसको गर्म करती है, तो खुद किस एनर्जी में तब्दील हो जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन में इसमें तब्दील हो जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन में तब्दील हो जाती है, ठीक है, यानी कि 300 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर से कम रेडिएशन में तब्दील हो जाती है, जो हीट की शक्ल में रेडिएट होती है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसको जजब कर लेती है, जजब करने के साथ ही जो जमीन का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसकी जो 0.03% जो मिकदार है ना, वो जरूरी है कुर्रे अर्ज के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर इतनी मिकदार ना हो ना, तो हमारा जो जमीन का कुर्रे का टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर -20 सेंटीग्रेड तक होता, यानी कि आप सोच सकते हैं जीरो पे बर्फ बन जाता है पानी, और -20 यानी कि इतना कम है कि बर्फ से भी नीचे चला गया। तो अगर ऐसा होता तो ये कुर्रे के ऊपर जो जिंदगी है वो नामुमकिन हो जाती। इसके अलावा इस कार्बन डाइऑक्साइड की एक और बड़ी अहम अहमियत है, वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पौधे जज़ब करते हैं और इससे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में इससे तैयार करते हैं C6H12O6 ग्लूकोज और 7 ऑक्सीजन खारिज करते हैं, ठीक है, ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और जो रेस्पिरेशन है, जो एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस है, वो उलट है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोबारा, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है
और दोबारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट एनर्जी खारिज होती है जिसको तमाम जानदार इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों अमल होना जरूरी है और ये दोनों अमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की इस मिकदार को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फिर भी ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, रेस्पिरेशन का अमल है और जो जानदारों की बका है वो नामुमकिन हो जाए। तो दोनों सूरतों में ये जरूरी है, लेकिन एक काम हुआ है जो इंसानी सरगर्मियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो इंसानी सरगर्मियां हैं, इन्होंने इस तवाजन को बिगाड़ दिया। हमने गाड़ियां बनाई, ठीक है, गाड़ियों में हमने फ्यूल इस्तेमाल किया। फ्यूल कौन सा इस्तेमाल किया? ये हमने इस्तेमाल किया पेट्रोल डीजल, ठीक है। इसी तरह हमने कारखाने बनाए, कारखानों के अंदर मुख्य चीजें जला के एनर्जी बना रहे हैं, बिजली बनाने के लिए भी फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो जंगलात हैं उनको आग लग रही है। तो इन सब वजूहात की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका तनासुब जो है वो बढ़ गया है हवा के। अब जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो ऑप्टिमम लेवल पे थी, उस लेवल पे थी जो जरूरी था, लेकिन अब क्या हो रहा है, मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड का जो उसकी मिकदार है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे इसकी मिकदार बढ़ रही है तो जो काबिलियत है कार्बन डाइऑक्साइड की हीट अब्सॉर्ब करने की, तो उसकी अमाउंट में भी, हीट की अमाउंट में भी क्या आ रही है, इजाफा होता जा रहा है। जब हीट बढ़ती जा रही है तो पूरा जो कुर्रा है, ग्लोब कहते हैं कुर्रे को, पूरा जो हम जमीन का कुर्रा है, ग्लोब है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह मौजूद है। तो पूरे कुर्रे का जो औसत दर्जा हरारत है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसको हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। किसके नाम से? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरे कुर्रे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाना किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बढ़ने की वजह से, वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस जो गैसेस है ना, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो CH4 यानी कि मीथेन भी है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसी तरह जो पानी के वेपर है ना, मॉइस्चर कंटेंट है कुर्रे हवाई के अंदर, पानी के जो बुखारात है वो भी क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं, हीट को अपने अंदर जज़ब करते हैं। तो ये तीन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस, ये आपको याद रखना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस से मुतलिक सवालात अक्सर पूछे जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है, तो आपने ये बताना है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। अब इनके असरात क्या हैं? देखो जैसे जैसे ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वैसे क्या हो रहा है, हमें पता है कि जो पानी है, फ्रेश वाटर है, वो उसके सबसे जो बड़े सोर्स हैं वो क्या है, जो ग्लेशियर्स हैं, क्या है, ग्लेशियर्स। अच्छा, ये ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो दरियाओं और नदी नालों के अंदर पानी आता है, दूसरा बारिश का सोर्स है, लेकिन ग्लेशियर ऐसी चीजें, ऐसे रिजर्वायर हैं जहां से मुसलसल पानी की सप्लाई रहती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये ग्लेशियर जो है वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और क्योंकि फ्लक्चुएशन टेम्परेचर के अंदर इतनी ज्यादा आ चुकी है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और अचानक से ग्लेशियर इतने ज्यादा पिघल जाते हैं कि वहां से पानी बड़ी ज्यादा मिकदार में आता है और फिर बारिशें मिल जाती हैं जिससे सैलाब आते हैं, ठीक है। एक असर तो ये हो गया ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर के अंदर यानी कि फ्रेश वाटर के रिजर्वायर कम हो रहे हैं, और दूसरा सैलाब आते हैं, बड़ी बस्तियों और एग्रीकल्चर जो ज़राअत है वो और जंगलात उनको अपने साथ बहा के ले जाते हैं, वहां से हमें नुकसान होता है। फिर ये हमारे बड़े बड़े जो डैम है उनके अंदर सैलाब की वजह से मिट्टी बढ़ जाती है, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा तबाह हो जाता है, बिजली का निज़ाम गर्म गर्म, आपकी पुलें टूट गई, ठीक है, डैम टूट गए, और जब ये समंदर के अंदर गिरते हैं तो वहां पे समंदर की सतह बुलंद होती है, क्योंकि ये इतना पानी होना जरूरी था ग्लेशियर्स के अंदर, अगर वो सारा का सारा पानी समंदर के अंदर गिरेगा, समंदर की लेवल बढ़ेगा। तो जितने भी साहिली इलाके हैं, जो कोस्टलाइन एरियाज हैं, जैसे कराची है, गवादर है हमारे, तो वो सारे के सारे जो उनकी बस्तियां थी करीब करीब समंदर के, वो डूब रही हैं, वो खत्म हो रही हैं, वो पीछे हट रही हैं, ये इसका एक असर है। और फिर अचानक से सारा साल के अंदर
अचानक से पानी का वाफर मकदार में आना, ठीक है, ये भी तबाही देता है, और फिर बाकी जो वर्षा है उसमें पानी बिल्कुल ही ना होना, ठीक है, ग्लेशियर पिघल गए, अब ग्लेशियर तो बचेंगे नहीं, या टेम्परेचर फिर डाउन हो जाएगा और फिर ग्लेशियर वैसे के वैसे रहेंगे, पानी की सप्लाई मुसलसल नहीं होगी, तो फिर ये भी इसका एक नुकसान है। तो ये है आज का आपका टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके असरात क्या है।